हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ईवी मॉन्ग पे। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए पेशकश लाए हैं वो है एक ऐसी कंपनी जो कि पावर बैटरीज में है और आपके लिए लेके आई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो दोस्तों, गैस करिए वो कौन सी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप गैस करते हैं मैं आपका सस्पेंस कुछ कम कर दूँ। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है टेस्ला पावर की कंपनी जो कि हमें आज अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स शोकेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज टेस्ला कंपनी के कौन से टू व्हीलर्स हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो कम ऑन, लेट्स गो फ्रेंड्स। हेयर इज़ द फर्स्ट ई स्कूटर बाय टेस्ला दैट यू कैन सी। दिस इज़ डायनमो बाय टेस्ला पावर यूएसए। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और नीचे आपको DRL हेडलाइट्स मिल जाती हैं। और नीचे आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसका। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सुपर पावर RX4 की बैजिंग मिल जाती है। साइड में आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एंड साइड में आप जैसा देख पा रहे हैं, इसका जो फ्लोर बेड है वो एकदम फ्लैट है। यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से अपना सामान रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक हुक मिल जाता है, कोई सामान अपना कोई भी आप सामान यहाँ पे टांग सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आपके पास स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। और यहाँ पे एक और फीचर है, यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे आप रख सकते हैं अपना फ़ोन। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको एक साइड स्टैंड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मेन स्टैंड है आपका, ये भी मिल जाएगा। और साथ में इसके आपको एक पिलियन राइडर के लिए, फीमेल राइडर्स के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट मिल जाता है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको RX4 Pro की बैजिंग मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे आप पीछे देख पाएंगे आपको हाइड्रोलिक इसके शॉकर मिल जाते हैं। और पीछे इसके रेसिंग टायर हैं 12 इंचेस के विद हब मोटर। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको पीछे दिखा दूँ, इसकी लुक कुछ इस टाइप की मिलती है आपको। पीछे यहाँ पे इसके टेल लाइट्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं इसके, और ये इसका रिफ्लेक्टर है। और इसके बाद यहाँ पे इसका जो है नंबर प्लेट लगी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसका हैंडरेस्ट है। और ये इसकी आपका सीट है जो कि बहुत चौड़ी है और बहुत कंफर्टेबल इस पर आपको पूरी राइड मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हैं हमारे पास टेस्ला कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव, चलिए आके इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाय, आपका नाम? माय नेम इज शॉन। शॉन मेरा नाम है। शॉन, हाँ शॉन जी, सर आप इस बाइक के बारे में हमें बताइए, क्या इसकी टॉप स्पीड है, क्या बैटरी, सबके बारे में आप बताइए। हमने जैसे मार्केट की आर को देख के, जैसे हमारे गडकरी जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, तो ईवीज टेस्ला पर ऑलरेडी इनटू एनर्जी, हम लोग सोलर और बैटरीज कर रहे थे। हम लोगों ने अपना ईवी लॉन्च करा है मार्केट के अंदर, कीपिंग इन माइंड कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट का मिले, उसके अलावा कि इसको चार्जिंग कैसे करे, एफिशिएंसी किस लिए निकाले इस व्हीकल की। तो थोड़ा आपको व्हीकल के बारे में समझा देता हूँ। जो व्हीकल की जो स्पीड है वो करीबन स्पीड है इसकी 70 से 90 के बीच में। ओके। और जो व्हीकल है ये, इसके जो रनिंग जो है आपकी है अप्रॉक्सीमेटली 80-100 किलोमीटर्स की है व्हीकल इसकी वाली। ओके। और ये लिथियम आयन बैटरीज है इसकी, बैटरी 3-4 आवर्स चार्जिंग है इस बैटरी की। ट्यूबलेस टायर है इसके। ओके। और ये वारंटीज के साथ आती है, और स्पेसिफिकेशन में आपकी 3 ईयर्स आपकी लिथियम की है, 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है बैटरी की। ओके। और इसमें इसमें एक और फीचर मैंने देखा था कि फायर रेजिस्टेंट इसका बैटरी मैंने सुना जी। सो जो हम लेके आए कॉन्सेप्ट टेस्ला पा यूएसए, इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व है तो देर आर चांसेस कि उसमें कोई स्पार्क हो जाए, आग लग जाए उसमें। तो जो हमारी व्हीकल्स है वो फायर सप्रेसेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे। तो इफ एनीथिंग हैपेंस आल्सो वी डू हैव अ फायर सप्रेसेंट विच वुड नॉट लेट दी व्हीकल यू नो कैच फायर। अच्छा। ओके। अगर फायर लगेगी तो वो अपने आप केमिकल रिलीज हो जाएगा और जी fire... अगर वो एक एक्सटेंड पे आके उसको पता लग जाएगा इतना हीट है, फिर वो सेंसर नॉर्मली ऐसे ही चलेगा, उसका वो फायर नहीं आने देगा उसमें। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास इसकी कीज आ गई हैं, तो हम उसको चला के देखते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसा है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने गाड़ी ऑन करी तो यहाँ पे ये पार्किंग मोड में आ गई गाड़ी। ये इसका चार्जिंग दिखा रहा है और जब हम इसके ब्रेक्स दबाएंगे तो ये गाड़ी रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी रेडी हो गई है और अब जब हम इसका ड्राइविंग मोड फर्स्ट गियर लगाया तो यहाँ पे आपका फर्स्ट गियर, आपका इको मोड जो है कह सकते हैं आप, वो ऑन हो जाता है। और इसका मैं आपको थ्रॉटल चला के दिखाता हूँ, टॉप स्पीड कितनी आती है। इसके टायर चल पड़े हैं और इसकी टॉप स्पीड जो आ रही है 36 किलोमीटर पर आके आ रही है। तो अब हम इसमें सेकंड मोड लगाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड मोड आ गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसकी हम टॉप स्पीड देखते हैं कितनी आ रही है। हमने वापस थ्रॉटल चला के देखा है, इसमें टॉप स्पीड जो है 47 किलोमीटर पर आर की आ रही है। और अब हम जो है इसका थर्ड गियर लगाएंगे। यहाँ पे थर्ड गियर आ गया है और अब हम इसकी टॉप स्पीड देख लेते हैं कितनी आती है। इसके टायर चल पड़े हैं, टॉप स्पीड आ रही है अराउंड 61 किलोमीटर पर आर की, क्योंकि इसमें 1000 वॉट की बैटरी लगी हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें रिवर्स मोड में हमको कितना किस स्पीड पे रिवर्स हो जाती है गाड़ी। तो हमने रिवर्स दबाया। रिवर्स मोड के लिए हमको यहाँ पे रिवर्स दबा के हमको एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टॉप स्पीड इसकी रिवर्स की आ रही है 8 की आ रही है और यहाँ पे R का बैजिंग भी आ रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और अब हम इसकी बैटरी देख लेते हैं जो डिक्की के अंदर है। आपको इसके साथ आपको रियर मिरर मिल जाते हैं। ये इसके रियर मिरर हैं जो कि आगे की तरफ लगेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी बैटरी जो आप देख पा रहे हैं वो इस टाइप की है। इस पर लिखा है 72 वोल्ट एंड 40 AH की बैटरी है इसमें। और आप इसके डिटैचेबल बैटरी है, आप इसको अपने घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं। किसी भी फ्लोर पे हो, 3rd, 4th, 10th, किसी भी फ्लोर पे आप ले जाके इसको आप इजीली चार्ज कर सकते हैं इस बैटरी को। और इसके बाद इसमें आपको एक MCB में भी मिल जाती है जिसको आप ऑफ कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जाते हैं हॉलीडेज़ पे अपने 4, 5, 6, 10 दिन के लिए। जब आप वापस आएंगे तब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको बैटरी उतनी ही मिलेगी जितनी आप छोड़ के गए थे, उतनी ही चार्ज मिलेगी, बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई RX Pro Pro की। अब इनके पास दूसरा मॉडल भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे और वो है RX 4 मॉडल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी बैजिंग है और ये इनका दूसरा मॉडल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वैसे ही पीछे हेडरेस्ट है, सब कुछ वैसा ही है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। पीछे हब मोटर है और रेसिंग टायर्स हैं इसके नायलॉन के। और ये 12 इंचज़ के टायर हैं विद हाइड्रोलिक शॉकर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब कुछ इसमें वैसा ही है सब कुछ। 3 इसमें राइडिंग मोड्स हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। और इसमें एक रिवर्स मोड भी है जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और ये इसका हॉर्न है और यहां पे आप इसको इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको इसके। और यहां पे इसके हेडलाइट्स के यहां पे आपको स्विचेस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से आपको दिखा देता हूँ। आगे आपको इसमें डायनमो, यहाँ पर उसकी मॉडल की, यहाँ पर आपको टेस्ला पावर USA की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऊपर या इसके इंडिकेटर की भी यहाँ पे मिल जाते हैं लाइट और रैप। और यहाँ पे आपको DRL हेडलाइट्स मिल जाती हैं इसकी। और नीचे आपको रेसिंग टायर मिल जाते हैं 12 इंचेस के जैसे कि आप देख पा रहे हैं विद डिस्क ब्रेक्स। और यहाँ पे इसके आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको RX 4 की बैजिंग मिल जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद टेस्ला पावर USA का आप देख सकते हैं स्लो स्पीड का एक और मॉडल है इनके पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेलो एक्स प्रो यहाँ पे। और टेस्ला पावर USA की यहाँ पे बैजिंग है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये एक रेट्रो लुक में मिल जाता है विद रियर मिरर्स जो आप देख पा रहे हैं। ये इसका हेडलाइट हो गया और नीचे इसके ये आपके इंडिकेटर्स हैं राइट एंड लेफ्ट। और यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और ये इसके 10 इंची के टायर हैं मेट्रो के ट्यूबलेस विद डिस्क ब्रेक्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है सामान टांगने के लिए और यहाँ पे थोड़ा डिक्की स्पेस मिल जाएगा कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा डिजिटल कंसोल आता है इसका,
ये लो स्पीड है तो इसका अराउंड 30 किलोमीटर की इसकी हाई स्पीड होगी। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके फीचर्स फंक्शंस। ये इसका पार्किंग बटन है जिसमें आपके चारों इंडिकेटर जल जाएंगे। और यहाँ पे ये रिवर्स गियर के लिए आर बटन है, ये इंडिकेटर के लिए है राइट एंड लेफ्ट, ये हॉर्न हो गया इसका। और ये हेडलाइट के लिए, ये लाइट्स के लिए इसके बटन है। और राइट साइड में आप देखेंगे ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए है। और यहाँ पे 1, 2, 3 जो इसके ड्राइविंग मोड्स हैं उसके लिए, और ये इसका इग्निशन ऑन करने के लिए है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें ब्लू कलर के स्कूटर के साथ आपको बेज कलर का आपको सीट मिल रही है जो कि बहुत चौड़ी कंफर्टेबल है। और पीछे आप इसका कैरियर देख पा रहे होंगे जो कि इसकी लुक को बहुत एनहांस कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको गाड़ी को थोड़ा ऑपरेशन इसका देख लेते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इस थोड़ा इस टाइप का इसका डिस्प्ले आता है। अभी गाड़ी हमारी रेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका बैटरी का इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है कितनी परसेंटेज आपकी गाड़ी चार्ज है। और अभी फर्स्ट मोड पे है गाड़ी, इको मोड पे। तो फ्रेंड्स अब हम चला के देखते हैं इस गाड़ी को कि इसकी टॉप स्पीड कितनी आती है। ये गाड़ी हमने चला दी है, इसकी टॉप स्पीड जो है अराउंड जो हमको मिलेगी वो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी फर्स्ट मोड पे। और अब हम इसका सेकंड मोड चला के देखेंगे उस पर हमें कितनी स्पीड मिल जाती है। अब हमने इसका टायर चला दिया है और हमें टॉप स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है हमें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें लगाएंगे थर्ड गियर और उस पर देखते हैं हमें कितनी स्पीड मिल जाती है। तो मैंने चला दिया है और इस पर फुल थ्रॉटल पर हमें 25 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी स्पीड है लो स्पीड गियर, लो स्पीड स्कूटर के हिसाब से। और फ्रेंड्स इसमें हम रिवर्स गियर भी है तो वो भी हम लगा के देखते हैं। तो पहले हम लाते हैं इसको फर्स्ट गियर पे और फिर लगाएंगे हम रिवर्स गियर। तो अब रिवर्स गियर के लिए यहाँ पे आर आ गया है। तो अब रिवर्स गियर जो मैं देख पा रहे हैं टायर जो है रिवर्स घूम रहा है और टॉप स्पीड रिवर्स गियर में 7 किलोमीटर पर आर की आ रही है जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी डिक्की देख लेते हैं। डिक्की में आपको स्पेस मिल जाता है अपना हाफ अपना हेलमेट रखने के लिए। और इसकी बैटरी जो है फिक्स है, डिटैचेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऊपर आपको एक MCB मिल जाती है जो कि आप ऑफ कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जाते हैं 5-6 दिन हॉलीडेज पे। जब आप इसको ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। जब आप वापस आएंगे हॉलीडेज से तो आपको ये ऑन करने के बाद उतनी ही बैटरी मिलेगी जितनी आप चार्ज छोड़ के गए थे, बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स टेस्ला पावर USA जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर भी प्रोवाइड करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनकी अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर की रेंज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ इनके सोलर पैनल्स भी आते हैं आपका घर, ऑफिस, फैक्ट्री कुछ भी चार्ज करने के लिए। इसके बाद इनके पास अलग अलग मॉडल्स हैं। उसके बाद आपको बाइक बैटरी से मिल जाती हैं, कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, होम UPS, सोलर सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये इनके सारे मॉडल्स हैं अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर्स के। और तो फ्रेंड्स अभी टेस्ला पावर USA आपको जो है अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं, और जिसका मैं आपको पूरा जो डिटेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वाइल वीडियो में आपको डाल दूंगा। ये इनकी रेंज ऑफ बैटरीज हैं और रेंज ऑफ UPS इन्वर्टर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी टेस्ला पावर USA के इलेक्ट्रिक स्कूटर और उनके वेरियस प्रोडक्ट्स की, फ्रॉम सोलर पावर टू बैटरीज टू DC पावर जनरेटर टू एनीथिंग यू वांट टू हैव इन द फ्रेंचाइजी। आपको इस फ्रेंचाइजी के साथ टू व्हीलर और बाकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी डिटेल्स जो भी हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में ऐसे ही एक अलग ई व्हीकल, एक ई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ड्राइव सेफ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल देन बाय बाय।